हाँ तो सुमित भाई साहब, यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, एक नंबर की हवा आ रही है, खुला एनवायरनमेंट विदाउट पोल्यूशन, एक किलोमीटर विदाउट वाटर. When only you can, you come here, then only you can feel this environment. So, try to come here and feel this enthusiasm. भैया कितना टाइम और लगेगा यहाँ से? बस 20 मिनट. बस 20 मिनट? बस 20. ओके थैंक यू. चेक आउट गाइस, यहाँ पे लिटरली स्नो है. बहुत तेरी फर्स्ट टाइम रात में हमें स्नो मिली है. स्नो देख रहा हूँ पूरी लाइफ में. आज नैनीताल में मेरा सेकंड डे और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये है ओयो का होम स्टे. अभी इस वक्त मैं हूँ नैनीताल के नॉर्दर्न पार्ट यानी कि मलीताल में. कल हम लोगों ने स्टे किया था नैनीताल के साउदर्न पार्ट यानी कि तलीताल में. मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कमरा. कमरा सो एज यू कैन सी दिस इज़ माई रूम, ओयो रूम. दिस इज़ क्वाइट गुड. ये मेरा ओयो का होम स्टे, इसका नाम है स्वास्तिक होम स्टे इन मलीताल. और यहाँ से लाइक सारे व्यू पॉइंट्स लाइक ट्रैकिंग साइट सारे नज़दीक पड़ते हैं. तो हम लोगों ने आज सेकेंड डे यहाँ रहने का प्लान किया है. देख सकते हैं ये पूरा वुडन कॉटेज है. ये काफ़ी अच्छा है, खिड़की से हमें व्यू भी मिलता है यहाँ पे. और अभी हम लोग जा रहे हैं लाइक नैनीताल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट यानी कि नैना पीक. नैना पीक जिसे लोकल भाषा में लोग चाइना पीक या चीना पीक के नाम से भी जानते हैं. मैंने कैब किया है. कैब से मैं वहाँ जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ हम लोगों को कैब छोड़ देगा और उसके बाद हम लोग वहाँ से चढ़ाई करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे. वो एक दो घंटे में हो सकता है, 3-4 किलोमीटर का ट्रैक है. और फिर एक घंटा रुकेंगे फिर वापस आएंगे. वहाँ से मैं दिखाऊँगा आपको ऊपर से व्यू कैसा है वो पॉइंट. मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो देखते हैं. लेट्स सी. हमारा कैब आ चुका है, हम लोग अपने कैब पे जा रहे हैं. कैश तो निकलवा लेते हैं ATM से. कैश निकालनी है? काम आएगा मेरे ख्याल से. आएगा बस थोड़ी सी टैक्स वगैरह ले लोगे तो ले लो. तो ये रहा हमारा कैब. आप यहाँ पे रहो सर. आगे ये रहे हमारे चंदन भाई साहब जो हमें छोड़ने जा रहे हैं. तो चलते हैं आगे नैना पिक पे, चल के मिलते हैं आपको. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do this for? It's got me turned around, but I can't ignore the feelings that I found in this whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ट्रेक यहाँ से नैना पीक. बहुत ऊपर तक जाना है, चलते हैं. लेट्स स्टार्ट द ट्रैक. कम ऑन. आप देख सकते हो रास्ता. अगर आप ट्रैकिंग से डरते हो तो जो भी डर होता है ना बस स्टार्टिंग में होता है. एक बार आपने स्टार्ट कर दिया ना तो डर ख़त्म. और भैया जब ऊपर पहुँचोगे ना तो जो व्यू देख के जो मज़ा आएगा ना वो लगेगा कि ज़िंदगी सक्सेस हो गई. रास्ता तो चढ़ाइए यार.
अभी हम पहुंचे हैं रेस्ट पॉइंट पे। हम लोगों ने 1 किलोमीटर की चढ़ाई कर ली है। आइए जानते हैं दोनों महाशय से। खुद ही अपने महाशय और महाशया कैसा लग रहा है इन्हें? हाँ तो सुमित भाई साहब, यहाँ बहुत मजा आ रहा है, एक नंबर की हवा आ रही है, खुला एनवायरनमेंट विदाउट पोल्यूशन। आप ये बताओ अभी तक का ट्रैकिंग एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था, 1 किलोमीटर विदाउट वाटर। विदाउट वाटर आ रहा है। पानी है यार अपने पास, पी सकते हो बैग से निकाल के? नहीं पी सकते हैं, पर बिना पानी पिए ऊपर तक आ गया। आगे चलते हैं, बाग भी मिल सकते हैं। और मीनाक्षी जी आप बताओ आपको कैसा लगा अभी तक का एक्सपीरियंस? वाओ, सो एंथुसियास्टिक इन मोमेंट। ओह माय गॉड, आप तो नैनीताल के रहने वाली हो ना, तो आपके लिए तो ये लाइक रेगुलर चीज होगी। नॉर्मल व्हेन ओनली यू कैन यू कम हियर देन ओनली यू कैन फील दिस एनवायरनमेंट, सो ट्राई टू कम हियर एंड फील दिस एंथुसियास्म। नाइस, ओके। तो अभी हम अपने रेस्ट पॉइंट से थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। इट्स लाइक बारिश नहीं, इट्स लाइक हल्के हल्के ओले पड़ रहे हैं। और रास्ते में मैं ट्रैवलर आता हुआ देखा, तो हमने उनसे पूछा कितना टाइम हमें और लगेगा, तो उन्होंने कहा बताया कि लाइक 1 आवर मोर, यू कैन डू इट। या सो देखते हैं हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, चलते हैं। और यहाँ पे काफ़ी फॉग हो गया है एक्चुअली, तो क्या है भैया पढ़े चलो जवानों। भैया कितना टाइम और लगेगा यहाँ से? बस 20 मिनट। बस 20 मिनट, ओके थैंक यू। चेकआउट गाइस, यहाँ पे लिटरली स्नो है। बहुत तेरी फर्स्ट टाइम रात में हमें स्नो मिली है। स्नो देख रहा हूँ पूरी लाइफ में। यू कैन चेक इट, देयर इज स्नो देयर। और भाई मेरी फोटो खींचना यार इसके साथ, भले ही थोड़ी सी हो, मजा आ जाएगा। So guys, we have finally done it. And हम लोग पहुँच चुके हैं नैना पीक पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर वेदर जो काफ़ी फॉगी है, चारों तरफ फॉग। मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स गो। ओ भाई साहब, दिस इज पैराडाइज एक्चुअली। ऑक्सीजन प्योर है भैया। ये क्या है, ये कॉटेज क्या है? स्टेशन है, स्टेशन। अच्छा 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 भैया, यहाँ कोई खाने पीने की चीजें नहीं मिलती आसपास? कहाँ पे? अंदर। ये क्या है? तो ये सब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और मैं आपको दिखाता हूँ। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या दिखता है। ओह भाई साहब, अमेजिंग यहाँ का वेदर, ऑक्सीजन प्योर ऑक्सीजन। देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ टूटा हुआ है। यहाँ पे और भी कॉटेज है मेरे को दिख रही है। चलो मैं आपको आगे दिखाता हूँ आगे क्या क्या चीज़ें हैं। एक्चुअली काफ़ी तेज बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ। ये मेरे पीछे पॉइंट है, यहाँ से आप नैनीताल का पूरा व्यू देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे काफ़ी बारिश तेज स्टार्ट हो गई है, तो हमें तुरंत कॉटेज में जाना होगा। सो लेट्स गो। बारिश तेज हो रही है। बारिश तेज नहीं, मेरी फोटो 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 सेशन करते हैं। चलो भाई साहब। सो हाय गाइस, सुमित दिस साइड। अभी तक नहीं पता चला। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है। भूख लग रही है कि नहीं? भूख नहीं लग रही, ऊपर आके सारी भूख मिट गई। व्यू देख के काफी मजेदार व्यू है।
कभी कभी ये सोचता हूँ कि इस दुनिया में हमारे होने का मकसद क्या है, क्यों हमें एक सीमित जिंदगी दी गई है। इन सवालों के जवाब तो मेरे पास नहीं है, पर इतना ज़रूर कहता हूँ कि अगर ज़िंदगी मिली है ना, तो क्यों ना इसे खुलकर जिया जाए, हर ऊंचाई को छू लिया जाए। जैसे इस पहाड़ की ऊंचाई पर आके इस बात का एहसास हुआ कि ज़िंदगी में जो भी हासिल करना है, जो भी पाना है, उसे पाने के लिए कोशिश अभी से, आज से शुरू कर दो। जितना जी सको ना, अपनी इस लिमिटेड लाइफ को जी लो।